आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आरिका से सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया। इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना कपड़ा लत्ता, मेरे इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB 002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता, M.K. जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। सब कुछ हो सकता है। आई माता जी भावना भारी थी तो क्या कहते हैं, हर शख्स को जिसको जहान में इज्जत नहीं मिली, हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली, पैसा मिला लेकिन दुहाओं की दौलत नहीं मिली। हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली, पैसा मिला लेकिन दुहाओं की दौलत नहीं मिली। यूं भागते ही भागते काटी है जिंदगी, यूं भागते ही भागते काटी है जिंदगी। माँ बाप से मिलने की मोहलत नहीं मिली, माँ बाप से मिलने की मोहलत नहीं मिली। आज दुनिया में घूम आता है इंसान लेकिन परमात्मा तक नहीं जाता है। आज दुनिया से मिलने का वक्त है लेकिन सच पूछो अपने आप से मिलने का वक्त नहीं है। बहुत कमाई करता है लेकिन पुण्य की कमाई का बहुत कम वक्त मिलता है। यदि किसी को कम वक्त कह दो तो आदमी को बुरा लगता है, लेकिन कहो वक्त निकाला करो, वो कहता है वक्त बहुत कम है। हमने कहा समझ लो, तुम पर वक्त यदि धर्म के लिए कम है तो तुम क्या हो अपने आप समझ लो। आप ही बता रहे कि कम वक्त हो तो इसलिए वक्त निकाला करो कुछ अपने लिए भी, क्योंकि दुनिया के लिए बचपन में किताबों का बोझ, बचपन में किताबों का बोझ, जवानी में बहारों का बोझ, बचपन में किताबों का बोझ, जवानी में तमन्ना और बहारों का बोझ, बुढ़ापे में सहारों का बोझ, और मर गए तो चिता के अंगारों का बोझ, मर गए तो चिता के अंगारों का बोझ। वास्तव में इंसान बहुत कुछ जोड़ता है लेकिन जोड़ता क्या है जिसे मौत छीन लेगी।
हम लोग हमेशा कहते हैं कि मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, जीने की गो न वांछा, मरने की गो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। लेकिन राग कहाँ घटता है? तृष्णा दिन दिन कहते काया निस्दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। जैसे जैसे उम्र में बुढ़ापा आता है, देह पर बुढ़ापा आता है, वासनाओं पर जवानी छाती। क्योंकि एक वृद्ध ने किसी को देख कर कंकड़ मारा, उस औरत ने कहा कि बुढ़ो शर्म नहीं आती, तेरे बाल सफेद देखो। उसने कहा बाल सफेद तो गए, दिल तो काला का काला। आप समझ गए बुढ़ापे में रोटी नहीं पसती है, लेकिन खाने के लिए जीभ बहुत मचलती है कि ये खा लो ये खा लो। तो आचार्य कहते हैं कि समाधि में और संताप में ही अंतर है। समाधि की मौत उत्साह पूर्वक आती है, समाधि में कसाई से नहीं की जाती है। समाधि अहंकार से नहीं की जाती है, समाधि आदि व्याधि और उपाधियों से हटकर जो होती है वो समाधि होती है। और समाधि वाला जीव आकुलित व्याकुलित नहीं होता है, आवेग में नहीं मरता है, बहुत समझदारी से अपनी इंद्रियों को क्रस करता है, इंद्रियों को छीन करता है, कसायों को छीन करता है, परम उपलब्धि पाता है। यहाँ इंसान नोट के बंडलों को जोड़कर सोचता है बहुत दौलत कमा ली, कागज के बंडल गए इनसे दौलत नहीं होती। ठीक है दौलत से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दौलत तो दौलत देती है, जब आती है तो पीठ में लाद देती है तो सीना फूल जाता है, और जाती है तो सीने में लाद देती है तो कमर झुक जाती है। सोने के चीजों को आप सोचते दौलत हो। एक बार सिकंदर गुजरा, लाओस से नाम का एक बहुत बड़ा फकीर था। लोगों ने सिकंदर से कहा था जब यूनान से लौटो तो एक फकीर भी लाना भारत से। हमने सुना है कि भारत के फकीर की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, बहुत बड़ा होता है, सम्राट भी इसके चरणों में झुकता है, तुम ले आना। तो उसने कहा क्या बड़ी बात है, सिकंदर चाहे तो पहाड़ों का रास्ता बदल दे, सिकंदर चाहे हर काम को असंभव को संभव कर दे, मैं ले आऊंगा। फकीर को लाना मेरे लिए क्या कठिन काम है, मैं जिस फकीर को चाहूंगा उस फकीर को ले आऊंगा। वो विजय के बाद लौटा, एक सैनिक ने उससे कहा कि क्या आप भूल गए, एक फकीर ले जाना था। उसने पास के लोगों से पूछा, गांव वालों से, यहाँ कोई फकीर रहता है क्या? बोले यहाँ बहुत फकीर हैं। बोले हमें ईमान ले जाना है। बोले आप जिसको चाहें ले जाएं। लेकिन उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति बोला कि यहाँ एक और बहुत बड़ा फकीर रहता है, जैन फकीर, तुम चाहो तो उसे ले जाओ, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं। वो सुनता नहीं का मतलब जैन फकीर बहुत अनुशासित होता है, अपनी इंद्रियों और अपने मन को कंट्रोल में रखता है। वो सच पूछो मालिक होता है, गुलाम नहीं होता है। वो इंद्रियों पर लगाम रखता है, वो इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, इंद्रियों के अनुसार नहीं चलता। तो उसने भी यही कहा कि हे एक फकीर, तुम चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं। उसने कहा अरे मेरी सुनेगा, मेरे पास बल है, धन है, सब बल मेरे पास है, और मैं जानता हूँ उसे कैसे ले जाना है। उसने अपने सैनिकों को भेजा और कहा जाओ कह दो कि विश्व विजेता सिकंदर का आदेश। उसने कहा मैंने आदेश छोड़ दिया मानना, मैं अपना ही आदेश मानता हूँ, मैं किसी दूसरों के आदेश नहीं मानता। उनने कहा मेरा सम्राट तुम्हें बहुत धन देगा। उसने कहा मुझे बहुत धन मिलता है। तो वो कहता धन कहाँ मिलता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो कहने लगा मैंने निर्धनता का विकल्प छोड़ दिया, तो जो है वो धन ही धन, मेरे पास आत्मधन है। और उन्होंने कहा तुम जानते हो यदि नहीं चलोगे तुम सिकंदर क्या करेगा। कहने लगे जा अपने सिकंदर से कह देना होगा तू सम्राट, मैं स्वयं का सम्राट हूँ, मैं अपना मालिक हूँ, तू होगा इंद्रियों का मालिक, मेरा मालिक नहीं हो सकता है। सिकंदर को बड़ा क्रोध आया,
और लेकर आया तलवार और कहने लगा तू जानता है? उसने कहा मैं जानता हूँ। तो कहने लगा यदि चलेगा कि नहीं? बोल कहने लगे मैंने आना जाना छोड़ दिया। तो कहने लगे तुम चलते हो सीधे सीधे या तुम्हें जान ले लूं तुम्हारी गर्दन से, धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। उसने कहा मारा होगा किसी को, मुझे नहीं मार सकता। उसने कहा बताऊं क्या? उसने तलवार निकाल ली। लाओसे ने कहा और कि तू मार सकता है किसी को लेकिन मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि तूने आज तक लोगों को मरते हुए देखा होगा, आज तू मैं भी मरता हुआ देखूंगा खुद को, तू भी देखेगा, तू पहली बार ऐसी मौत देखेगा। और कहते हैं कि जैन फकीर तो ठीक है, उसी के पास एक दूसरा लाओसे नाम का फकीर था, वो भी गंगा के नदी के किनारे रहता था। और सिकंदर ने उससे भी कहा, वो भी नंग धड़ंग, वे कहते हैं वे धड़क रहता था। उससे कहा, उसने कहा कोई जरूरत नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा अरे तू ऐसे रहता है तेरे लिए एक बहुत सुंदर महल बना दूंगा। उसने कहा महल की ख्वाहिश होती तो मैं महल में ही नहीं रहता। चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है ना गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे महलों की, मैं तो आराम से यहाँ आराम से रहता हूँ। उन्होंने कहा तुम अकेली रहते हो, अरे तुम्हारे लिए एक बहुत सुविधाजनक महल बना देंगे, उसमें तुम्हारे नौकर चाकर रहेंगे, तुम्हारा मन लगा रहेगा, संगीत की व्यवस्था कर देंगे। उसने कहा मैं और मेरा गुरु रहते हैं यहाँ, और तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। उसने कहा कहाँ कहाँ रहते हो तुम, यहाँ तो एक झोपड़ा तक नहीं है। उसने कहा ये पड़ा है ना पोंगरा, मतलब बड़ा पाइप था लोहे का पुराना छोटा सा। कहने लगे हम और हमारा गुरु इसमें रहते हैं। उसने कहा गुरु तो कोई दिख नहीं रहे, यहाँ तो एक कुत्ता बैठा हुआ है। वो कहने लगा जो फकीर था, जैन संत नहीं था, वो फकीर था लाओस से। वो कहने लगे ये मेरा गुरु है। कहने लगे तुम्हारा गुरु, ये कुत्ता कहीं गुरु हो सकता है? उसने कहा कि मैं पहले एक कटोरा रखता था, एक दिन मैंने देखा कि आराम से ऐसे पानी पी लेता है, मैंने पानी पीने को ही तो कटोरा रख रखा था, और उस दिन से चांदी का कटोरा तो दे दिया किसी जरूरतमंद को, कि जब ये जानवर होकर बिना कटोरा के काम चलाता है तो मुझे क्या जरूरत है, और हम दोनों बड़े मजे में रहते हैं, तुम भी रह सकते हो। फिर सिकंदर ने कहा कि आदेश दो तुम यहीं पर एक सोने का महल बना दो। उसने कहा कृपा करो कि तुम सोने होने के महल की ख्वाहिश में दिखाओ, तुम अपने रास्ता नापो। वो कहने लगा अरे इतनी सर्दी में तुम रहते हो, मैं तुम्हारी सुविधा कर रहा हूँ। उसने कहा धूप बीच में मत लो, धूप की आड़ में आके खड़े मत हो, किसी के प्रकाश का आड़ मत बनना, तुम जा सकते हो यहाँ से। और कहते हैं कि सिकंदर ने कहा कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी बेफिक्री देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए क्या इंतजाम कर दूं। उसने कहा तुम यहाँ से जाओ। और फिर सिकंदर ने कहा कि मैं भी आऊंगा। उसने कहा आ जाओ तो, आना हो तो अभी आ जाओ। उसने कहा पूरी विजय यात्रा करके लौट के आऊंगा। उसने कहा किसी की विजय यात्रा पूरी नहीं होती है, कभी कोई लटका नहीं आता है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। तो कहते हैं कि सिकंदर चला गया, लेकिन चंद दिनों बाद उसे मौत आ गई। उसने दौलत की बहुत दुआएं दी, वैद्यों को कहा इतनी असरफियां दे दूंगा, इतने गांव दे दूंगा, मुझे चंद घंटों की मोहलत दे दो, मैं अपनी माँ से मिल लूं, अपने राज्य में चला जाऊं। लेकिन कहते हैं कि अधूरी रह गई तमन्नाएं। लेकिन भाग्य की बात उसी दिन लाओसे भी मर गया, और दोनों की लाश एक ही नदी में बह रही थी। एक अफोल कल्पनाएं किसी लेखक की कल्पनाएं हैं कि सिकंदर ने कहा कि आ गया ना यही, तो कहते हैं कि लाओसे की लाश में से आवाज आई कि देख मैं आज भी आगे हूँ, मैं आज भी सम्राट था और सम्राट मरा हूँ,
तू फकीर रहा और फकीर मरा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिकरत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए, माताजी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBOSHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212001011772777, IFSC कोड POMB002120। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त